हेलो एवरीवन, आइए आज फ्रूट एंड नट चॉकलेट केक बनाते हैं। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं, आप देख सकते हैं। ग्रीस किया हुआ टिन सबसे पहले मैंने इंतज़ाम कर लिया है और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो हमें केक में डालनी है। मैंने पहले से कुछ नहीं सोचा है कि हमारा केक कैसे बनेगा, बस मुझे एक मीठा मज़ेदार सा केक बनाना है। सो मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। तो ये लगभग 150 ml के जो चाय वाला कप होता है उससे एक कप मैंने मैदा लिया है। यहाँ पर मैदे से आधा मैंने चीनी लिया है जिसमें पिसी हुई चीनी है और ये ब्राउन शुगर है, तो दोनों की मकदार मिलाकर लगभग हाफ कप हो जाता है। ये चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स है जिसमें सभी तरह के नट मिले हुए हैं, काजू, बादाम और पिस्ता। और ये जो बारीक हो गया था वो अंदर जाने के लिए है और ये सजावट के लिए है। दो अंडा हमने लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है। एक केला लिया है बहुत मीठा वाला पका हुआ। तीन गुड्डे बिस्किट है, इसे या तो मैं चॉप कर लूँगी, आप चाहें तो इसे मिक्सी पॉट में पीस सकते हैं या दरदरा रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, या स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर लें। यहाँ पर मैंने दो खजूर रखा है जिसे चॉप करके डालना है। साथ ही हमने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है जो कि वेकफील्ड का है, इसमें हमें 3/4 teaspoon इस्तेमाल करना है। साथ ही 2 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा भी इस्तेमाल होगा और 2 चुटकी नमक भी, जो यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 tablespoon कैनोला ऑयल लिया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं या चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये छुरी है नट को चॉप करने के लिए, साथ ही इस बिस्किट को चॉप करने के लिए और खजूर को चॉप करने के लिए। यहाँ पर रिजर्व में हमने थोड़ा सा दूध रखा है, ये भी रूम टेम्परेचर पर है। इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर ही होनी है, तो इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर लेना है। हमें सारे लिक्विड्स को एक तरफ रखना है और ड्राई जितने इंग्रेडिएंट हैं उनको एक पॉट में रखना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने मैदे में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों मिला लिया है, थोड़ा सा नमक भी मिला लिया है। बेकिंग पाउडर मैंने 3/4 teaspoon लिया है और बेकिंग सोडा चुटकी भर लिया है। तो यहाँ पर अब जो हमने रखा था 3 गुड्डे बिस्किट्स उसे मैंने इस खरल में कूट कर रखा है, तो अब उसे मैंने यहाँ पर मिला लेना है। ये डार्क चॉकलेट है इसे भी डाल लेना है और जो हमने नट रखा था क्रस्ट उसे भी डाल लेना है। केला और खजूर है, मैंने हर वो चीज़ इसमें डालने की कोशिश की है जो हमारे केक को मज़ेदार बनाएगा, ये सोचे बगैर कि इसमें क्या जाता है और क्या नहीं जाता है। और यहाँ पर मैंने अंडे में वो अपना मीठा डाला है और साथ ही जो कैनोला ऑयल रखा था वो भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमें मिला लेना है। तो केक बैटर को मैंने टिन में डाल दिया है और मुझे इस बैटर को बनाने में लगभग 4 से 5 tablespoon दूध की ज़रूरत हुई थी। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा सजावटी ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। बहुत ही यमी सा, बहुत ही मज़ेदार सा हमें इसे बनाना है। अब ये ओवन में जाने के लिए रेडी हो चुका है और आज मैं इसे माइक्रोवेव ओवन में सेकूंगी। तो उसके लिए मैंने माइक्रोवेव को प्री हीट कर रखा है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ये लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर बेक किया जाएगा। 25 मिनट में ये केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो क्रैक्स पड़े हुए हैं उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज दिख रहा है। अब इसे कम से कम 1 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
केक को ज़्यादा जालीदार और स्पॉन्जी बनाने के लिए आप इसके बैटर को लिक्विडी और रनी रखें। इसके लिए आप इसमें तेल और दूध की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाकर डालें। साथ ही अगर अंडा पसंद नहीं तो उसे स्किप कर दें और उसकी जगह फेटा हुआ दही डालें। दही सोडा से रिएक्ट करके इसे हल्का बनाएगा। उम्मीद है इस रेसिपी को आपने एंजॉय किया होगा। साथ बनाए रखें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।